दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोफे का मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं और आइडियल सोफे का मेजरमेंट क्या रहता है। एक सोफे को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर टोटल कितने मटेरियल्स का यूज होता है, उस मटेरियल का कॉस्टिंग क्या होता है, इसके अंदर कितना लेबर लगता है और लेबर का जो चार्ज है वो कितना मार्केट में मार्केट के अंदर चल रहा है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सोफे के मेजरमेंट से, सोफे का आइडियल मेजरमेंट क्या होता है। तो अगर बेस से फ्लोर से देखें इसकी हाइट तो ऑलमोस्ट 15 इंच से लेकर 17 इंच तक की इसकी हाइट होती है विथ सोफे का जो लेग आते हैं उसके साथ। और इसका अगर डेप्थ देखें जो सीटिंग एरिया है वो ऑलमोस्ट 21 टू 22 इंच के आसपास रहता है, ताकि इसको आराम से आप इसके ऊपर बैठ सके और लेग रूम जो लेग सपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से मिले। और इसका अगर बैक का हाइट देखें तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट अगर हाइट देखें तो 17 इंच तक आप रख सकते हो, मिनिमम 15 इंच भी मार्केट के अंदर चलता है। एज पर डिज़ाइन इसका हाइट अलग अलग रहता है, मगर ये जो हमने आपको मेजरमेंट दिखाया है वो आइडियल मेजरमेंट है। और सोफे के जो हैंडल आते हैं उसकी अगर हाइट देखें तो ऑलमोस्ट 8 to 9 इंच के आसपास रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच तक इसका हाइट रख सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा अगर हाइट रखते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्ट नहीं मिलता, क्योंकि जब आप सोफे के ऊपर बैठते हो और आपके हाथ को उसके ऊपर हैंडल के ऊपर रखते हो तो प्रॉपर तरीके से वो थोड़ा नीचा होना चाहिए, ना कि ऊपर होना चाहिए। तो नीचा मतलब 8, 9 या 10 इंच तक आइडियल साइज़ है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं सोफे मटेरियल्स के बारे में, सोफे में टोटल कितने मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेज से। बेज में सबसे पहले प्लाई आएगा, यानी कि अगर प्लाई बेस सोफ़ा है या स्प्रिंग बेस सोफ़ा है, दोनों के अंदर इस तरीके का प्लाई तो आएगा ही। अगर प्लाई की थिकनेस देखें, ये पूरा फ्रेम बनता है, फ्रेम की थिकनेस देखें तो ऑलमोस्ट 18 mm का पूरा ये प्लाई आता है। इसके अंदर अलग mm का मतलब 12 mm का भी यूज़ होता है कई जगह पे, मगर आइडियल जो प्लाई की थिकनेस है वो 18 mm की रहती है। अगर इस पूरे फ्रेम का कॉस्टिंग देखें तो ऑलमोस्ट विथ लेबर पर फीट इसका कॉस्टिंग होगा 800 rupees से लेके 1000 rupees के आसपास रहता है विथ लेबर इसका कॉस्टिंग। दोस्तों अब बात करते हैं सोफे के अंदर कौन सा फोम आइडियल होगा, अभी जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है कौन सा फोम चलता है, और किस तरीके का फोम का स्ट्रक्चर रहता है, और कितना इसका कॉस्टिंग आएगा, कौन सा फोम कितना लगेगा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अभी हम देखते स्टार्ट करते हैं बेस से। बेस में इस तरीके का फोम रखते हैं 15 mm का, जिसको पैकिंग बोलते हैं, वो सोफे का जो फ्रेम होता है उसमें बीच में रखते हैं, ताकि इसके ऊपर दूसरे फोम लगेंगे तो बीच में से ये फोम पूरा ऊपर लगेगा, जिसके कारण कर्व टाइप लगेगा, जिसके कारण जब इसके ऊपर बैठते हैं तो प्रॉपर कंफर्ट मिलता है और लुक में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीच में इस तरीके की सीट रखते हैं सबसे बेस के अंदर। इसके ऊपर लगेगा 4 inch का HR फोम, 32 density, 4 density या फिर PU फोम भी आप यूज़ कर सकते हो। इस बेस के ऊपर डायरेक्टली HR फोम लगेगा, इसके ऊपर लगेगा 1 inch का HR फोम इस तरीके का। अब आप सोचेंगे कि 4 inch का HR लगाने के बाद वापस क्यों 1 inch का HR लगा दिया, डायरेक्ट क्यों 5 inch का HR नहीं लगाया। उसका एक ही रीज़न है कि जब आप सोफे को इस तरीके से बनाते हो तो यहाँ से जब मोड़ना पड़ता है यहाँ से, और बीच में इस तरीके से कट लगते हैं, ताकि इसके ऊपर जो कपड़ा लगे उसका जो फिनिशिंग आए वो प्रॉपर तरीके से आए। और 1 inch का अगर HR रहेगा तो इसको मोड़ना आसान रहेगा कंपेयर टू 4 inch के HR की कंपेरिजन में। तो उसके ऊपर 1 inch का HR लगाते हैं और इसके ऊपर जो कपड़ा फिट होता है वो इस तरीके से इसका लुक आता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से लुक आता है, तो इसका फिनिशिंग प्रॉपर आता है। यही रीज़न है कि इसके ऊपर 1 inch का HR फोम अलग से लगाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बैक के अंदर कौन सा फोम लगाया है। बैक के अंदर यहाँ पे 3 inch का ये पैकिंग लगाया है इस तरीके का, ताकि जो ये बैक का साइड है वो बीच में से थोड़ा ऊपर रहे और स्पाइन को प्रॉपरली सपोर्ट करे और लुक में भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस तरीके का पूरा फोम लगा है। इसके ऊपर लगा है 2 inch का HR, 2 inch का सॉफ्ट फोम है, सॉफ्ट फोम यहाँ पे लगाया है। उसके ऊपर 1 inch का HR फोम लगाया है, सॉफ्ट फोम के ऊपर 1 inch का HR लगाया है। उसका एक ही रीज़न है, अगर डायरेक्ट सॉफ्ट फोम इसके ऊपर रखते हैं तो हो सकता है जब इसके ऊपर फैब्रिक लगे तो इसका प्रॉपर फिनिशिंग ना आए, और हो सकता है आफ्टर यूज़ अगर डायरेक्ट सॉफ्ट फोम है तो उसके ऊपर का जो कपड़ा है
वो हो सकता है कि थोड़ा सेग हो, उसी वही रीज़न है कि सॉफ्ट फोम के ऊपर एक इंच का एचआर फोम लगाया है ताकि फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से आए। अब देखते हैं साइड में सोफे का जो साइड होता है उसके अंदर कौन सा फोम लगाते हैं, जिसको बॉर्डर वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पे 15 mm का फोम लगता है सोफे के साइड के अंदर, और बेस के अंदर यहाँ पे जो स्पेस आता है इस तरीके का, यहाँ पे भी इस तरीके का फोम लगेगा 32 डेंसिटी का। यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 15 mm का फोम लगता है इस तरीके से। और बात करते हैं अब सोफे के हैंडल में कौन सा फोम आएगा, तो बेसिकली सोफे के हैंडल में 40 डेंसिटी का 2 इंच का फोम आप यूज़ कर सकते हैं। 40 डेंसिटी का इसलिए बता रहा हूँ ताकि हैंडल के ऊपर ज़्यादा वेट आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है इसके ऊपर हाथ रख के लोग खड़े होते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा वेट आएगा, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहे, यही रीज़न है कि इसके अंदर दो इंच का 40 डेंसिटी PU फोम या HR फोम आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरीके का फोम यूज़ करके, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बना के अगर फोम यूज़ कर रहे हैं, अगर 10 फीट का सोफ़ा बना रहे हैं तो उसके अंदर कितना फोम लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, उसका कॉस्टिंग बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो 4 इंच का 6x3 का, इसका एक पीस लगेगा। HR फोम भी यूज़ कर सकते हो या PU फोम भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आएगी सॉफ्ट फोम की सीट, इस तरीके की 6x3 की 2 इंच की एक सीट की आवश्यकता होगी, इस तरीके का जो ब्लैक सॉफ्ट आता है। इसके बाद आएगा 1 इंच का फोम, 1 इंच के अंदर आप PU फोम भी यूज़ कर सकते हो, HR भी यूज़ कर सकते हो। इसका 6x3 का टोटल आपको 4 पीस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस तरीके का। इसके बाद आएगा 15 mm का PU फोम, 15 mm PU फोम की बात करें तो 6x3 की आपको टोटल 2 पीस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों अगर आप इस तरीके का फोम यूज़ करके 10 फीट का सोफ़ा बनाते हैं तो अगर नॉन ब्रांडेड फोम इसके अंदर यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट इसका कॉस्टिंग आ सकता है 8,000 to 9,000 रुपीज़ के आसपास 10 फीट के लिए फोम का कॉस्टिंग। और अगर आप ब्रांडेड फोम इसके अंदर यूज़ करते हैं, इस तरीके का जो हमने स्ट्रक्चर बताया है उस तरीके का फोम, तो उसका जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 15,000 से लेकर 16,000 तक इसका कॉस्टिंग आ सकता है। सोफे के अंदर जो फोम लगता है उसको पेस्टिंग करने के लिए SR की रिक्वायरमेंट पड़ती है। SR 707 फोम को चिपकाने के लिए सबसे बेस्ट है। 10 फीट का सोफ़ा बनाने के लिए ऑलमोस्ट आपको 3 लीटर के आसपास SR की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसका अगर कॉस्टिंग देखें पर लीटर तो ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ के आसपास रहता है। दोस्तों सोफे के अंदर इस तरीके का क्लोथ यूज़ होता है जिसको मादर पार्ट भी कहते हैं, चली भी कहते हैं और बेकिंग क्लोथ भी कहते हैं। इसका यूज़ सोफे का जो ओपन पार्ट्स होता है उसको ढकने के लिए होता है ताकि सोफे के अंदर कोई कचरा वगैरह ना जाए, कोई जीव जंतु वगैरह इसके अंदर ना जाए। आप देख सकते हो इस सोफे के अंदर ये जो बैक साइड है यहाँ पे वो प्रॉपर पूरा ओपन है, तो यहाँ पे इस तरीके का कपड़ा लगता है ताकि इसके अंदर गंदगी वगैरह कुछ अंदर ना जाए। इसको लगाने के बाद इसका जो लुक है वो इस तरीके का आता है, यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसका अगर कॉस्टिंग देखें तो ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ मीटर के आसपास इसका कॉस्टिंग रहता है। और 10 फीट सोफ़ा बनाने के लिए 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक इस तरीके के मादर पार्ट के कपड़े की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों इसके ऊपर जो कपड़ा लगता है उसको पेस्ट करने के लिए इस तरीके की पिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर 2 साइज़ आती है, 23x6 और 23x8 की साइज़ आती है। प्लाई जो आती है उसके अंदर कपड़े को पेस्ट करने के लिए पिन का यूज़ होता है। अगर 10 फीट का अगर आप सोफ़ा बना रहे हो तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 पैकेट पिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसका पर पैकेट अगर कॉस्टिंग देखें तो ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ के आसपास रहता है। दोस्तों सोफे के अंदर इस तरीके की पुट्ठा पट्टी जिसको बोलते हैं, इस तरीके की पट्टी यूज़ होती है ताकि प्रॉपर फिनिशिंग दे सके। इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कपड़ा इस तरीके से आ गया है, यहाँ पे पिन वगैरह लग जाता है, बाद में इसके ऊपर इस तरीके से दूसरा कपड़ा लगता है, और यहाँ पे इस तरीके की पट्टी पुट्ठा पट्टी लगाते हैं और उसके ऊपर पिन लग जाती है, और बाद में उसके ऊपर इस तरीके का फोम का फिनिशिंग आता है, फोम लगता है, और बाद में ये कपड़ा इस तरीके से लग जाता है ताकि इसका जो ग्रू है, इसका जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से आए। आमतौर पे जहाँ पे क्वालिटी वर्क्स होता है सोफे के अंदर, वहाँ पे इस तरीके का जो मटेरियल है वो यूज़ होता है। इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं सोफ़ा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के बारे में। 10 फीट का अगर आप सोफ़ा बना रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको 8 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आइए देखते कौन सी टाइप्स के फैब्रिक्स इसके अंदर यूज़ होते हो। पहले तो देखते इस तरीके का ज्यूट मटेरियल आता है,
सोफे के अंदर ये भी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं मार्केट के अंदर, जूट मटेरियल इसको बोलते हैं। दूसरा आएगा पीयू लेदर फिनिश, इस तरीके का कपड़ा है, इसका जो फिनिशिंग है वो पीयू लेदर है, ये थोड़ा वाटरप्रूफ भी रहता है। तीसरा आएगा इस तरीके का लेदर फिनिश, इसके बाद आएगा इस तरीके का वेलवेट लेदर फिनिश, ये वेलवेट लेदर फिनिश है, इसका यूज़ मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है इस तरीके के कपड़े का, यानी कि ट्रेंडिंग कपड़ा है। इसके बाद आएगा इस तरीके का टेपेस्ट्री। सोफे के अंदर बहुत सारे टाइप्स के फैब्रिक्स या अपहोल्स्ट्री यूज़ होती है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसा फैब्रिक्स आपको सोफे के ऊपर लगाना है, मगर हाल में जो मैंने आपको बताया सबसे जो ट्रेंडिंग है वो वेलवेट लेदर बेस्ड जो फिनिशिंग आता है वो सबसे ज़्यादा सोफे के अंदर अभी यूज़ हो रहा है। दोस्तों सोफे के अंदर जो फैब्रिक यूज़ होता है उसके रेट के बारे में बात करें तो पर मीटर 300 रुपीज़ स्टार्टिंग रेट होता है और हाईएस्ट इसका 1500 से लेकर 2000 रुपीज़ तक का रेट होता है, मगर अगर क्वालिटी वाइज देखें तो 500 रुपीज़ से लेकर 700 रुपीज़ मीटर तक का जो मटेरियल आता है वो क्वालिटी में भी बेस्ट आता है, आराम से 8 से 10 साल इसका लाइफ रहता है। तो अगर आपको मीडियम बजट में जाना है तो 500 रुपीज़ मीटर से लेकर 700 रुपीज़ का जो मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है कपड़ा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप सोफे के ऊपर आसन पट्टा या सोफा दरी बना रहे हो तो उसके ऊपर उसके अंदर एडिशनल फोम लगेगा, 6x3 का 10mm का फोम लगेगा एक पीस का, और उसके ऊपर जो कपड़ा आएगा वो भी 3 मीटर के आसपास कपड़ा लगेगा आसन पट्टे के लिए, और उसके ऊपर वेलक्रो आएगा, वेलक्रो ऑलमोस्ट 8 मीटर वेलक्रो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वेलक्रो का अगर कॉस्टिंग देखें तो 15 रुपीज़ मीटर में आराम से मार्केट के अंदर मिल जाता है। दोस्तों सोफा बनाने के लिए जो कारपेंटर आता है उसकी जो कॉस्टिंग होती है, जो लेबर होता है, वो स्टार्टिंग अगर देखें तो 350 रुपये से लेके हाईएस्ट 600-700 रुपीज़ पर फीट के आसपास रहता है, वो डिपेंड्स करता है लेबर सोफे के डिज़ाइन के ऊपर, मगर मैंने जो भी आपको लेबर बताया है वो ऑलमोस्ट कारीगर के जो आर्ट होता है सभी के अंदर एक अलग तरीके का स्किल वगैरह रहता है, तो अपनी स्किल के हिसाब से जो कारपेंटर होता है वो अपना लेबर लेता है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने जो सोफ़ा मेकर है उसका नंबर दिया हुआ है, ताकि आपको अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि सोफ़ा आजकल हर एक घर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है। सोफे को एक बार बनाने के बाद अगर आपको फील पसंद नहीं आता है तो 8 से 10 साल तक रिग्रेट करना पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि सोफ़ा बनाने से पहले ही हम थोड़ा बहुत रिसर्च कर ले, देख ले कि किस तरीके का हमको फील चाहिए, किस तरीके का कपड़ा चाहिए, तो बाद में रिग्रेट करना ना पड़े। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने नंबर दे दिया है, वो बहुत ही स्किलफुल पर्सन है, आप उससे बात करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके का आपको सोफ़ा बनाना है, उसके अंदर कैसे डिज़ाइंस वगैरह आते हैं। मगर हमने उससे बात की और उसने बताया है कि आप डायरेक्ट कॉल मत करिए, आप पहले व्हाट्सअप करिए, तो व्हाट्सअप में वो आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में दी है उसके बारे में, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।